एचआरडी मिनिस्टर ने यह घोषणा की है कि वेद पर कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था आज तक। एक पुरस्कार था वो भी 1982 से आज तक नहीं दिया गया, वो भी मात्र 1,00,000 रुपए का। अभी हमने तय किया है कि 11 पुरस्कार 5,00,000 रुपए का वेद को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में जिस तरह से राष्ट्रपति रखते हैं। दूसरी घोषणा हमने ये करी है कि 5 पुरस्कार 1,00,000 रुपए के दिए जाएंगे, वो भी प्रधानमंत्री के हाथ से दिलाया जाएगा, विज्ञान भवन में दिलाया जाएगा। एक अभी भी आप लोगों ने अखबार में अगर पढ़े होंगे, जागरूक होंगे, पाठक जी आपने भी पढ़े होंगे, तो ये घोषणा हुई है भारत सरकार की तरफ से और हमने उस एजुकेशन पॉलिसी में उसको लिखा है। और ये घोषणा हुई कि जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे उनको 14 पॉइंट लेने अनिवार्य होंगे और वो 14 पॉइंट सम्रांगण सूत्रधार और यंत्र सर्वस्व पर कर लेंगे। ये हमने ये भी किया कि जो लड़कियां होम साइंस पढ़ती हैं, जो या जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, उनको नल राजा नल का पाक शास्त्र पढ़ाया जाए जिसमें कितनी आंच देने पर स्वाद में कितना परिवर्तन होता है, यह कर लिखा हुआ। और हमारे यहां तो अनादिकाल से 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था सुनते आए हैं, वो हमको डिस सिखाए नहीं पश्चिम वाले कि डिस कैसे बनता है। तो इसलिए ये सारी चीजें डालने की हमने बात की है। फिजिक्स में हमने वैशेषिकी की बात की है आईआईटी में, और आईआईएम के लिए हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा रखा जा रहा है। और जो आपने कहा कि 7 से 10 तक अब नहीं हो रहा है, हमने पाठक जी एजुकेशन पॉलिसी में ये कंपल्सरी कर दिया कि क्लास 1 से 12 तक संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई और पूरा भारत पढ़ेगा। तो हम इसलिए भारत से आया क्योंकि आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, भारत सरकार की नीतियां आपको नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे चीजें हम लोगों ने किया है। और दूसरी चीज ये की है जिस पर आप लोगों को विशेष हर्ष होगा, चाहे वो संस्कृत के हों या चाहे किसी सब्जेक्ट के हों, हमने कहा है कि अध्यापक अध्यापक होता है लेकिन आज जो है अध्यापक अपने को कर्मचारी मानता है, वो अध्यापक नहीं और अधिकारी भी उसको कर्मचारी ही मानते हैं। कहीं फैमिली प्लानिंग हो गई, जनसंख्या गणना हो गई, चुनाव हो गया, सब जगह उसको कर्मचारी के रूप में इतना लगा है। और आजकल जो एपीआई आ गया है उस एपीआई में तो कर्मचारी बन गए और एपीआई हम खत्म कर रहे हैं, आपको बता देता हूं। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जितने भी अध्यापक है, चाहे प्राइमरी का क्यों ना, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को कहा कि आज आप आईएएस हो लेकिन पहले प्राइमरी पढ़ के तब आईएएस बने होंगे, इसलिए जो प्राइमरी का भी है वो अध्यापक है। अगर वो आता है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या प्राइमरी का अध्यापक है, जब आता है तो उसके अंदर गुरु देखो और गुरु देखने के बाद अपने आप खड़े हो जाओगे, बोलने की जरूरत नहीं होगी, तो उनको सम्मान करो। और दूसरी बात यह है कि उसी तहत मिनिस्ट्री ने ये मेरे प्रस्ताव पर, मिनिस्ट्री ने अभी से 10 दिन पहले विज्ञान भवन में पूरे भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों को बुलाया गया और उनको कहा गया एक तरफ से कि जितने भी शिक्षक हैं उनको सबको सम्मान ब्यूरोक्रेट्स करेगा, जब वो उनके सामने खड़े होंगे तो डीएम होगा खड़ा होकर उनको सम्मान करेगा। और गवर्नमेंट की हर पॉलिसी में शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी, ये निर्णय हो गया है। अब ये ताकि शिक्षकों को अगर सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो उनके अंदर जो चाकरी का भाव है वो खत्म हो जाएगा और उनके अंदर आचार्यत्व प्रकट हो जाएगा जिसकी सर्वथा कमी है, इसलिए शिक्षा की दशा और दिशा दोनों दुर्दशा में जा रही है। धन्यवाद।